मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में नव निर्वाचित सरपंचों का राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहुंचते ही पंचायत के प्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि काम तो होगा तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अनुसार ही होगा। सरकार भोपाल से नहीं बल्कि चौपाल से चलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरपंचों के मानदेय बढ़ाया जाएगा। अब सरपंचों का मानदेय 4250 रुपए कर दिया गया है। सरपंचों के वित्तीय अधिकार भी बढ़ा दिए गए हैं। सरपंच 25,000 तक की प्रशासकीय स्वीकृति दें तो प्रक्रिया करके आप उसको भेज दो, हम उस नाम को जोड़ लेंगे जो सही नाम है। आपने बीपीएल की सूची में नाम जोड़ने की बात कही है, तो इसमें मैं एक बात आप सबसे कह रहा हूं, देखो अभी बीपीएल की सूची में 86% जो कुल जनसंख्या है उसके 86% नाम जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यह अधिकार दे रहा हूं कि कोई जायज नाम अगर बीपीएल की सूची में छूट गया हो तो प्रक्रिया करके आप उसको भेज दो, हम उस नाम को जोड़ लेंगे जो सही नाम है। राशन की सूची में अगर कोई सही नाम छूट गया हो तो उसको हम जरूर जोड़ेंगे। और एक बात, सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750 रुपया है, इसको बढ़ा के मैं 4250 रुपया कर रहा हूँ।